ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 ही। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, उपनिषदों की कथाएं इस श्रृंखला में मैं आपको अश्विनी कुमार ऋषि पुत्रों की अद्भुत औषधियों के चमत्कारों के बारे में एक कथा सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सिर जोड़ देने की कथा। अश्विनी कुमारों की बहुत सी कथाएं ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों तथा आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलती हैं। वह सभी बहुत रोचक और शिक्षा प्रद होने के साथ भारत के सुनहरे इतिहास के काल का हमें दर्शन कराती हैं। अश्विनी कुमारों द्वारा कटे सिर जोड़ देने की घटना, और वह भी घोड़े के सिर से जोड़ देना, बहुत ही अद्भुत और असंभव सी प्रतीत होती है। इस कहानी में बहुत ही गहरा सस्पेंस है, असमंजस है, रहस्य है। तो ये पूरी एक असमंजस वाली कहानी जान पड़ती है। उसी प्रकार इन प्राचीन उपाख्यानों में तत्व के साथ रोचकता को भी बनाए रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है। इसी संदर्भ में यह कहानी भी हम आपको बता रहे हैं। अश्विनी कुमार नाम का कोई एक आदमी नहीं है, वह युगल हैं, दो हैं, जोड़ने जुड़वा भाई हैं। दोनों का नाम अलग अलग नहीं, एक साथ ही लिया जाता है, अर्थात एक नाम में, समान व्यक्तित्व में, दो भौतिक रूप हैं। चित्र को देखकर आपको यह स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए इनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी एक वचन में नहीं, द्विवचन में ही किया गया है। दोनों अश्विनी कुमारों को अश्विनी या कुमार कहकर भी सर्वत्र वर्णन मिलता है। इन्हीं अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि की दीमक की वामी में लिपटी देखो दोबारा यौवन देकर सुजाता नामक युवा राजकन्या से विवाह कराकर अक्षय दाम्पत्य सुख की वर्षा करने का वर्णन विस्तार से अनेक प्राचीन ग्रंथों में आता है। यह अपने आप में बड़ी रोचक कथा है। च्यवन ऋषि की शादी जो है सत्यवान सावित्री की कथा के साथ जुड़ी हुई है। ये सावित्री की सहेली की शादी महर्षि च्यवन के साथ हुई थी। च्यवन की बिल्कुल आंखें चली गई थी, तब अश्विनी कुमारों ने उनको वापस उनकी आंखें लौटाई थी और उनको यौवन प्रदान किया था। खैर ये कभी दूसरी कथा में हम आपको बताएंगे। इसी पुस्तक में अत्यंत हमने महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय की कहानी और संवाद का उल्लेख किया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने आगे चलकर तत्व ज्ञान का उपदेश मैत्रेयी को मधु विद्या के नाम से दिया था। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि इस ज्ञान के आदि प्रचारक
या आविष्कार कुमार ही थे। आप यह जानने को उत्सुक होंगे कि अश्व घोड़ा अश्विनी दोनों अश्विनी कुमार अश्वमेध यज्ञ और अश्व के सिर काटकर मनुष्य या देवताओं के सिर में जोड़ देने की बातों का परस्पर क्या संबंध है। आज यदि हॉर्स पावर अश्व शक्ति से ताकत नापी जाती है तो उस पुराने जमाने में अश्व को ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए उपनिषदों में देवताओं के मार्ग पर चलने का भार इन ज्ञानवान अश्विनी कुमारों पर डाला गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन दोनों अश्विनी कुमारों की माता अश्विनी थी, पिता का नाम सविता या सूर्य था। इन दोनों बालकों का नाम उस समय की परंपरा के अनुसार माता के ऊपर ही अश्विनी कुमार रखा गया था। वे दोनों कुमार अत्यंत सुंदर एवं कुशाग्र बुद्धि होने के साथ पीयूष वाणी चिकित्सक थे। आयुर्वेद या चिकित्सा विज्ञान के प्रथम दृष्टा कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी को भी चिकित्सा शास्त्र का आदि उपदेश अश्विनी कुमारों ने ही दिया था। वेद के मंत्रों ब्राह्मण और उपनिषद के साथ आयुर्वेद में इसीलिए सर्वत्र अश्विनी की स्तुति मिलती है। उन जैसा अद्भुत चिकित्सक और चीरफाड़ करने वाला सर्जन आज तक सृष्टि में नहीं हुआ है, ये दूसरी किसी कथा में आपको बड़ी बात स्पष्ट हो जाएगा। पुराण इतिहास में देवासुर संग्राम का अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है, परंतु इन दोनों के अलावा नागों का इतिहास उतना ही पुराना है। देवताओं की भांति नाग भी ईश्वर विश्वासी और सुसंस्कृत जाति थी। उनकी परंपराएं श्रेष्ठ थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना तथा नारी जाति का सम्मान करना था। भगवान शंकर इस गण के सर्वसम्मत नेता थे। उनकी समाधि और पराक्रम दोनों बेजोड़ थे। देवताओं भी उनका सम्मान करते थे। देवताओं में एक दुर्गुण यह था कि वे अपने को सर्वोपरि तथा सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इतना होने पर भी देवताओं के राजा इंद्र और अग्नि के समान अश्विनी कुमारों का भी उनके बराबर सम्मान था। सभी स्तुतियों में इन अश्विनी कुमारों की स्तुति की जाती थी और उन्हें हवि दी जाती थी। विश्व के प्रथम और सर्वोपरि चिकित्सक होने के कारण उनको श्रेष्ठ स्थान दिया जाता था। अनेक स्थलों पर उनकी निपुणता के प्रमाण इतिहास कथाओं से मिलते हैं। उस युग में पर्वत से लेकर नंदन कानन तक स्वर्ग में, जो वर्तमान तिब्बत के भीतर था, नागों के नेता भगवान शंकर के पराक्रम की कथा फैली हुई थी। विश्व के सारे भागों में कन्याएं वीरपति की पूजा करती हैं। इसी परंपरा के अनुसार देवताओं के वंश में जन्मी दक्ष प्रजापति की कन्या पार्वती ने मन ही मन शंकर को अपना पति मान लिया। अंत में माता पिता की इच्छा के विरुद्ध मृगछाला लपेटे भस्मी रमाई दिगंबर शंकर की पत्नी बनकर वे उनकी सेवा करने लगे। इस घटना के बाद दक्ष प्रजापति ने बड़ा राजसूय यज्ञ किया। विश्व के समस्त प्रतिष्ठित लोगों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया। बेटी पार्वती और दामाद शंकर को सम्मान पूर्वक उस यज्ञ में बैठाना तो दूर, बुलाया भी नहीं गया। अपने मायके में हो रहे इस महान समारोह में शामिल होने को बेटी पार्वती का मन डोल गया। अपनी माँ मैना और पिता दक्ष के घर जाने को वह विहल होती। शंकर ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए तुम्हारा वहाँ जाना अपमानजनक है, अतः तुम वहाँ मत जाओ। पर बेटी अपने को काबू में न रख सकी और पिता के घर पहुंच गई। यज्ञ की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। बेटी के पहुंचने पर देवकुल के अभिमानी माता पिता बंधु बांधव और यहां तक कि यज्ञ की वेदी के चारों ओर बैठे होता अद्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा किसी ने भी उनसे सम्मान व प्यार के दो शब्द नहीं कहे।
पार्वती का मन टूट गया। वह अपने पति शंकर की सलाह ठुकरा कर मायके पहुंची थी और कुछ चारा न देकर अति दुखी होकर पार्वती ने अपने आप को जलते हुए यज्ञ कुंड की लपेटों में झोंक दिया। उनका शरीर तुरंत भस्म गया। यह समाचार शंकर के पास पहुंचा। अपनी प्रियतमा की इस उपेक्षा और अपमान पर वह समाधि त्याग कर क्रोध से पागल हो उठे। अपने सारे गणों को एकत्रित किया और नागों के सेनापति बनकर नंदन कानन पहुंच गए। एक क्षण पहले जहां वेद मंत्रों का पाठ एवं कोकिल कंठी देव पत्नियों का मंगल गान हर्षोल्लास चल रहा था, वहां अब विनाश और संहार की लीला शुरू हो गई। देवताओं, उनकी पत्नियों, आमंत्रितों और यहां तक कि होम कराने वाले पंडितों के रक्त से यज्ञ भूमि लाल हो गई। उनके रुंड मुंड इधर उधर लुढ़कने लगे। उनके सिर काटकर शंकर ने हवन कुंड में भर दिए। पत्नी और नारी के अपमान का भरपूर बदला उन्होंने अब देवताओं से ले लिया था। वे अगली कार्रवाई करने पर विचार कर रहे थे। देवों का राजा इंद्र अब भयाक्रांत था। उसका कोई मार्ग नहीं सोच रहा था। गणपति शंकर को शांत करने का अन्य कोई उपाय नहीं देखकर उनके चरण में माथा टेक कर दया की भीख मांगी। इस पर भगवान शंभु युद्ध रोकने का आदेश देकर पुनः कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर बैठ गए। यज्ञ की भस्मी से शंकर प्रिय पार्वती अब जीवित हो चुकी थी, परंतु नंदन वन में तो अनगिनत लाशें पटी पड़ी थी। बड़ा विभत्स और भीषण वहां का दृश्य था। विश्व का सबसे सुंदर स्थान अब शमशान बन गया था। अब इसका पुनर्निर्माण करने के लिए मरे हुए देवों को जिलाना बहुत जरूरी था। देवराज इंद्र समेत देवगण अश्विनी कुमारों की शरण में पहुंचे, उनसे मरे हुओं को जीवित करने की प्रार्थना की। अश्विनी कुमार पीयूष पाणी चिकित्सक तथा सर्जन तो थे ही, देवताओं की आराधना से प्रसन्न और दयाद्र होकर उन्होंने कटे हुए शिरों को तत्काल जोड़ना शुरू कर दिया और जिन रुंडों के मुंड नहीं मिल रहे थे उनके स्थान पर घोड़ों के सिर काट कर जोड़ दिए। यदि हम इस कथा का सस्पेंस पूरा करने के लिए आपको बता दें कि बुद्धि के प्रतीक अशव के द्वारा उनके नाम से ही जग विश्रुति सर्जन अश्विनी कुमारों ने उन कटे हुए सिरों को जोड़ दिया था तो कहानी का मजा पूरा पूरा मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।